हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं अपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के दूसरे मेथड की मेथड नंबर टू। मेथड नंबर वन तो हम क्या बोलते थे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी प्रीमियम पे करते थे उस प्रीमियम को कैसे मानते हैं, उसको एक्सपेंस की तरह मानते हैं। तो मतलब जो भी प्रीमियम आप पे करते हो उसे एट द ईयर एंड क्या करते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। लेकिन मेथड नंबर टू की बात करूं तो मेथड नंबर टू में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एसेट मेथड और सरेंडर वैल्यू मेथड। मतलब इसमें हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी प्रीमियम भरते हैं हम उसको कैसे डील करते हैं, वी आर बाइंग एन एसेट। मतलब हम एक एसेट को बाय करें, जैसे फर्नीचर खरीदा या हमने मशीन खरीदी, तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में। और होना भी ये चाहिए कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम के पैसे तो हमें वापस ही मिलेंगे, बट मिलेंगे कब, मेच्योरिटी पे या फिर डेथ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पहले सरेंडर करना चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं ना, हम चाहें तो इसके अगेंस्ट हमें क्या पैसा मिल सकता है, यस मिल सकता है। बट हमें हमेशा ध्यान रखना, अगर बिफोर द एक्सपायरी पीरियड या फिर डेथ से पहले अगर मैं पॉलिसी को वापस दूंगा तो फिर जो पैसा मुझे मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ क्या, सरेंडर वैल्यू का। तो देखो जी, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें अंडर दिस मेथड ध्यान रखना, अंडर दिस मेथड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। जबकि पिछले मेथड में कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं होता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या होगा, मेंटेन होता है, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, फिर क्या करते हैं, एंड टू विच प्रीमियम पेड आर डेबिटेड। जो भी प्रीमियम हम पे करेंगे हम उसको अब किस में अकाउंट कर देंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि हमने एक एसेट को बाय किया है और उस एसेट को बाय करने के लिए जो पैसे खर्च किए हमने एक एसेट खरीदी है। जब जब मैं प्रीमियम दूंगा, जब जब मैं प्रीमियम पे करूंगा, आई विल से कि मैंने एक एसेट बाय कर लिया, मेरा पैसा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए डेबिट हो रहा है, मतलब मैं एक एसेट को बाय कर रहा हूँ। एंड अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट रिसीव होगा कब, अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जब मेच्योरिटी पे, ऑन मेच्योरिटी और डेथ और सरेंडर, जब आप सरेंडर भी करोगे, ठीक है जी, शेल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है ना। जो भी अमाउंट मिलेगा हम इस अकाउंट में, मतलब जब जब मैं प्रीमियम पे करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अकाउंट को डेबिट करूंगा। और जा लास्ट में जाके अगर मुझे पैसे मिलते हैं, जो भी पैसा मुझे रियलाइज होगा, मतलब जो भी पैसा मुझे मिलेगा मैं क्या करूंगा, मैं इस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। जबकि पिछले वाले में हम प्रीमियम जो रेगुलरली पे करते थे उसके लिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट नहीं करते थे, उसके लिए हम एक प्रीमियम अकाउंट खोलते थे। यहां मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं प्रीमियम भर रहा हूं उसको क्या करूंगा, उसको मैं एक एसेट की तरह बुक करता जाऊंगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट नंबर टू लिखो, नंबर टू ऐसे लिखो आप लोग, जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम पे करते जाते हैं क्या, उसके अगेंस्ट कोई सरेंडर वैल्यू भी बुक होती है। सरेंडर वैल्यू मैंने क्या बताया था कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी वापस कर दोगे, पॉलिसी सरेंडर कर दोगे, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट मिलता है, मतलब मैंने पॉलिसी ली और पॉलिसी, मैंने बताया था सरेंडर वैल्यू जो आती है वो दो प्रीमियम के बाद ही आती है, फर्स्ट प्रीमियम के बाद कभी भी सरेंडर वैल्यू नहीं आती। तो आप ध्यान रखना, सरेंडर वैल्यू लिखनी पड़ती है, लिखो आफ्टर टू ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड the policy will have surrender value। 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद ही क्या होगा, सरेंडर वैल्यू आती है। 2 साल का प्रीमियम पे करने से पहले कभी भी सरेंडर वैल्यू नहीं आती, ठीक है। एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ता है, 2 साल का सरेंडर प्रीमियम पे करना पड़ता है, 2 साल का प्रीमियम देने के बाद ही। मतलब अगर मैं इसको बोलूं 0.1, 0.2, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि सरेंडर वैल्यू के लिए हमें करना क्या होता है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। जो भी आपने प्रीमियम पे की है उससे कम ही होता है, उससे कभी ज्यादा नहीं होता। मतलब हमेशा ध्यान रखना, सरेंडर वैल्यू जो होती है वो प्रीमियम पेड के अमाउंट से क्या होती है, कम होती है, प्रीमियम पेड के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब एग्जैक्टली प्रीमियम पेड भी नहीं होता,
मतलब बच्चे बात समझ आ रही है ना आपको, बताओ जितना आप प्रीमियम भरते हो सरेंडर वैल्यू से नीचे ही होती है, कंपनी आपको क्यों उतने पैसे दे देगी? अगर आप मान लो सपोज करो मैंने कंपनी को 10,000 10,000 करके 40 4 साल में 40,000 रुपये प्रीमियम दे दिया, अब कंपनी को जाके मैं कहता हूँ मेरी पॉलिसी वापस ले लो, तो कंपनी ऐसा थोड़ी करेगी मुझे 40,000 के 40,000 पकड़ा देगी, ऐसे तो कोई भी आके कभी वापस कर जाएगा, इंडस्ट्री को पैसा जाता है। बच्चे आप खुद समझो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कंपनी खुद नहीं चाहती कि पॉलिसी सरेंडर हो, मतलब लोग वापस देने ना आए। अब वो उसको डिस्करेज कैसे किया जाए, मना तो नहीं कर सकते, तो कंपनी जनरली सरेंडर वैल्यू बहुत कम रखती है, और इसलिए ध्यान रखना मैंने लिखा है सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, हमेशा प्रीमियम पेड से कम ही होता है, प्रीमियम पेड से, और ये बहुत कम वैल्यू होती है। मैं आपको बताऊँ जैसे जैसे ये लैप्स करते जाते हैं वैसे वैसे ये परसेंटेज जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू होता है वो बढ़ता जाता है। शुरू में 0 होगा मैंने कहा ना, पहले साल में नील होता है, दूसरे साल में मेरे हिसाब से 10%, फिर उसके बाद 15 20 30 ऐसे एक रेशियो बढ़ता जाता है, वो परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी, सरेंडर का परसेंटेज अमाउंट बदलता जाएगा। ठीक है जी, देखो तो पहला पॉइंट क्या है, अंडर दिस मेथड आप लिख लें, अंडर दिस मेथड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन टू विच प्रीमियम पेड आर डेबिटेड, मतलब अब जो प्रीमियम पे करेंगे वो सारे के सारे डेबिट कौन से अकाउंट में चले जाते हैं, वो अब डेबिट होते हैं। अभी तक वो कौन से अकाउंट में डेबिट करते थे आप, अब डेबिट करते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट में, अब आप किसमें डेबिट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन मैच्योरिटी और डेथ ऑफ सरेंडर शेल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, इसी अकाउंट में आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और आफ्टर 2 ईयर्स प्रीमियम पेड हैव बीन पेड द पॉलिसी विल हैव अ सरेंडर वैल्यू, मतलब पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 2 साल बाद ही आएगी, 2 साल से पहले नहीं आती, एटलीस्ट 2 प्रीमियम्स देने के बाद ही सरेंडर वैल्यू, मतलब क्वेश्चन भी आप देखोगे तो 2 प्रीमियम देने के बाद ही निकलती है, पहले प्रीमियम के बाद सरेंडर वैल्यू नहीं आती। ठीक है, और सरेंडर वैल्यू होती क्या, मैं नोट लिख देता हूँ, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ सरेंडर वैल्यू होती क्या है, सरेंडर वैल्यू वैल्यू इज द अमाउंट दैट द इंश्योरर, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी ठीक है, विलिंग टू पे ऑन सरेंडर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, एंड दिस अमाउंट is based on number of premium paid। ठीक है जी, और जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ये डिपेंड करती है आपने कितने प्रीमियम पे कर दिए, जितने ज्यादा आप प्रीमियम पे कर दोगे उतनी आपकी सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एबीसी पार्टनर्स है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3 5:3:2, they took out a joint life policy in 2015 for 50,000, 50,000 के आपका maturity, मतलब summer short है, और इसके लिए आपको annual premium कितना देना होगा, 3,000, on 10 June the surrender, 10 June को हमेशा premium देते हैं, और surrender value पहले साल के end में कितनी, पहले साल के end में nil है, दूसरे साल के end में 900, फिर 2,000, फिर 3,600, और B की death हुई है कब, 15 अप्रैल को death हो गया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहले साल surrender करता हूँ तो value nil है, मतलब surrender value हमेशा कब आती है, जब आप 2 प्रीमियम देते हो, तो 2 साल के बाद तो आ रही है, आप खुद देखो मैंने कहा ना 2 साल से पहले तो सरेंडर वैल्यू आएगी नहीं, एटलीस्ट 2 प्रीमियम शुड बी पेड, मतलब 2 प्रीमियम मस्ट बी पेड, आपको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज सरेंडर वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ पर क्या है, 2,000 है, यहाँ पर 3,600, मतलब अगर आपने 3,000 रुपए दिए तो कुछ नहीं मिलेंगे, 6,000 रुपए दे दिए, 2 साल में आप कितना पैसा दे दोगे, 6,000 रुपए दे दोगे तो 900 रुपए आएंगे, फिर उसके बाद 2,000, मतलब आपने 3 प्रीमियम पे कर दिए 9,000, बट उसके अगेंस्ट मुझे मिलेगा कितना, मतलब आपको डिस्करेज भी कर रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं, और अमाउंट इतना कम रख रहे हैं कि ताकि कोई इन सरेंडर करने आए ना, तो इन जनरल वैसे कोई पॉलिसी सरेंडर नहीं करते। अब बात आती है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस मेथड में, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड की बात करूं तो पहली एंट्री हमारी कब थी, फर्स्ट मेथड में ज्वाइंट लाइफ ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो सबसे पहले मैं प्रीमियम को पे करूंगा, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम जिस दिन आप प्रीमियम को पे करते हैं तब एंट्री क्या होती है, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो पहली एंट्री होगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वहां पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था, मतलब खर्चा डेबिट किया था,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहला मतलब बीइंग प्रीमियम पेड, बीइंग प्रीमियम पेड। अब आपने कोई खर्चा तो पे नहीं किया, आपने जब खर्चा नहीं पे किया तो इट मीन्स आप क्या करोगे, तो एसेट है, हर साल आप इस अकाउंट में पैसे बढ़ते जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम आएगी एट द ईयर एंड, आप क्या करोगे एट द ईयर एंड, जो ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड ओवर सरेंडर वैल्यू, शेल बी ट्रांसफर टू आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे किसमें, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या है, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी, ठीक है, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम दिया। जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या करा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी, पहला प्रीमियम दिया, हमने कहा हमने तो एसेट खरीदी है, ठीक है, नो डाउट भाई एसेट बाय करिए, तो हम क्या करेंगे, हम 3000 का प्रीमियम भरेंगे और उस प्रीमियम को क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में डेबिट करते हैं। मतलब मैं एसेट बाय कर रहा हूँ, बट उस एसेट की लास्ट में आके वैल्यूएशन करो तो वैल्यूएशन तो कितनी बन रही है, वो तो नील बन रही है। तो इसका मतलब मैंने 3000 की एसेट खरीदी, लास्ट में उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब मुझे कितना लॉस बुक करना पड़ेगा, मुझे पूरा का पूरा 3000 लॉस बुक करना पड़ेगा। बट अगली बारी जब मैं एसेट खरीद रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 900। तो इसका मतलब अगले साल में मुझे लॉस कितने का हो रहा है, मतलब खरीद तो मैं 3000 की एसेट रहा हूँ बट उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू अभी, क्योंकि कंजर्वेटिज्म भी तो देखना है, क्योंकि मैं अगर 3000 की एसेट ले रहा हूँ और अपनी बैलेंस शीट में जाकर लिखता हूँ बट उसकी रिलाइजेबल वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब मैं आज उसको मार्क टू मार्केट भी करता हूँ, मतलब मार्क टू मार्केट मतलब मैं उसकी आज मार्केट वैल्यू जब बुक्स बनाता हूँ, जब दिसंबर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ तो मैं बैलेंस शीट में जाके उसे रियलाइजेबल वैल्यू पर लेकर आता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ कि आज की वैल्यू क्या है उस हिसाब से। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैंने एसेट तो बाई करी है बट ईयर एंड पे मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी वैल्यूएशन कर देता हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब अगर आप देखो तो मेथड वन में आप डायरेक्टली P&L में ही डाल रहे थे, यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस है मतलब सरेंडर वैल्यू और जो प्रीमियम पेड, मतलब आपकी जो सरेंडर वैल्यू इंक्रीज करी है और जो आपने प्रीमियम पे करे हैं, उन दोनों को जो डिफरेंस है उसको आप क्या करते हो, वो ट्रांसफर करते हो, उतना तो लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पे क्या होगा, और डेथ और सरेंडर, आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हो, सरेंडर ऑफ पॉलिसी, तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, GLP अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये होगा फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ, बैलेंस इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जितना भी बैलेंस बचेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग्स द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो भी किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करूँगा, मैं इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और मेरे इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, वो होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशो में होगी, ये आर्टर्स की जो ओल्ड रेशो है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, आप जितना भी पैसा सरेंडर पे मिलेगा तो ये क्या करोगे, अभी सारा का सारा पैसा क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है।
अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन क्या था बच्चे, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। एबीसी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग 532, दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2015 फॉर ₹50,000, अ प्रीमियम ₹3,000 बीइंग पेड एनुअली, हर साल आप प्रीमियम देते हैं ऑन 10th ऑफ जून। द सरेंडर वैल्यूज पॉलिसी ऑन 31st ऑफ दिसंबर वेरियस ईयर वाज एज फॉलोज, और पहले साल में पॉलिसी की प्रीमियम वैल्यू कितनी है, नील, फिर 900, फिर 2000, और फिर उसमें बी की डेथ हो गई है आपके 2019 में। तो देखो कैसे करेंगे बच्चे, इसको जरा जनरल, पहले जनरल करते हैं फिर हम इसके लेजर बनाए। हाँ जी, देखो देखो बच्चे, इसमें हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, पहले मैं जनरल ही करता हूँ। देखो जनरल कैसे करेंगे, जनरल होगी सबसे पहले प्रीमियम कब से पे करना शुरू किया मैंने, 10th ऑफ जून को। तो 10th ऑफ जून मैं इन दी बुक्स ऑफ फर्म बात कर रहा हूँ, इन दी बुक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, पहले जर्नल फिर लेजर की बात करेंगे। जर्नल एंट्रीज, यहाँ पर हमारा जर्नल बन रहा है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज एंड देन फिर उसके बाद लेजर की बात करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में क्या है बच्चे, सबसे पहले बात करूँ जर्नल एंट्री में, तो मेरी पहली एंट्री कब होगी, पहला प्रीमियम मैंने कब दिया, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहला प्रीमियम दिया 10 जून 2015 को, जून में देते हैं, 15 से प्रीमियम शुरू कर देते हैं। तो डेट तो यहाँ पर है 2015, 10 जून हमने प्रीमियम पे किया। प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होगी बच्चे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो हमने प्रीमियम पे कर दिया। कितना प्रीमियम पे किया, 3,000, ठीक है, बीइंग प्रीमियम पेड, बीइंग प्रीमियम पेड हमने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। दूसरा, फिर अब एंट्री कब होगी, दिसंबर 31 को मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा किससे, मेरी जो सरेंडर वैल्यू, जो मैंने प्रीमियम पे किया है उसके बदले मेरी वैल्यूएशन क्या है। मैंने तो एसेट बाय कर दी बट ईयर एंड में तो उसकी वैल्यू नील है, तो उसका मतलब मुझे सारे का सारा लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो आपको मेथड वन में भी तो यही कर रहे थे, तो मेथड वन में हम लोग सीधा सीधा पहले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह डील कर रहे थे, सॉरी यहाँ पर जेएलपी डेबिट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, बिकॉज ऑफ मेरी एसेट की वैल्यू नील है तो सारा का सारा मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। कितना, 3,000, ठीक है। अब 2016 में मैंने क्या किया, फिर 10 जून को मैंने क्या किया, मैंने फिर प्रीमियम पे किया। तो प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, कितना, 3,000। लेकिन अब मेरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू क्या है, अब मेरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू 9,000 नहीं, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, वर्किंग नोट्स में मैं बताऊंगा कि पी एंड एल में अमाउंट कितना जाता है। एक टेबल बना देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक टेबल बनानी है, इसमें कितने साल है, पहला साल 2015 का था, फिर 2016, तो आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है कितना अमाउंट पी एंड एल में डेबिट होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखो सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितनी थी, फिर इसमें ऐड करो प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पेड इन करंट ईयर, जो भी आपने करंट ईयर में प्रीमियम पे किया, और माइनस इसमें से लेस कर दो सरेंडर वैल्यू, सरेंडर माइनस कर रहे हैं क्या बच्चे, सरेंडर वैल्यू एट द एंड, एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में कितनी सरेंडर वैल्यू वो लेस कर दो। तो सरेंडर वैल्यू पहले साल में, तो शुरुआत पिछले साल कुछ नहीं होगा, प्रीमियम पेड कितना था, 0, तो ये जो आ जाता है, ये आ जाता है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ इन पी एंड एल। तो पी एंड एल में कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ होगा ये कैसे पता चलेगा, इसमें सरेंडर वैल्यू नील है तो कितना आ गया, 3,000। पिछले साल मेरी सरेंडर वैल्यू कितनी थी, 0, भाई यहाँ तो थी नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था, पिछले साल 0 थी, इस साल मैंने प्रीमियम पे किया 3,000, तो अब सरेंडर वैल्यू कितनी आ गई, 900। तो इसका मतलब है मुझे नुकसान कितने का होगा, जो पी एंड एल में राइट ऑफ करना, 2100। फिर अगले साल जब मैं चलूंगा 2017 में, तो मेरी पिछली सरेंडर वैल्यू कितनी है,
900, ठीक है। इसमें मैंने प्रीमियम कितने का पे किया, 3,000 का, बट मेरी नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू कितनी बन रही है, नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू बन रही है 2,000। तो इसका मतलब जो मुझे लॉस बुक करना है इन दोनों को ऐड करूं, 3,900 में से कितने गए 2,000, तो मुझे लॉस कितने का बुक करना, 1,900 का। फिर सिमिलरली मैं किस में करूं, 2018 में, 2018 में भी ऐसे ही निकालूंगा। आप ऐसे देखो ना, आप थर्ड ईयर में आपकी सरेंडर वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई, 900 तो सेकंड ईयर में हो गई थी, ये थर्ड ईयर में बढ़ के 2,000 हो गई। तो थर्ड ईयर में तो आपको ना 1,100 रुपये मिल रहे, 1,100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2,000 3,000 बढ़ के 1,100 मिले, तो 1,900 का तो लॉस हुआ। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, इस तरीके से आप निकाले। नेक्स्ट ईयर में भी आप ऐसे ही करना, नेक्स्ट ईयर में पिछले सरेंडर वैल्यू उठाना, तो पिछले सरेंडर वैल्यू कितने 2,000, फिर उसके बाद कितना बचे 3,000 का प्रीमियम दिया, टोटल हो गया 5। अगर वैसे देखो तो यहाँ एक आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके से, टोटल 3,000 और उसमें से 0 ये ऐड करके ये आ जाएगा 3,000, यहाँ पर ऐड करके कितना हो जाएगा 3,900, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 5,000, और फिर उसके बाद जो इस बार की सरेंडर वैल्यू है, तो इस बार की सरेंडर वैल्यू कितनी आपकी 3,600, तो 3,600 आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो फाइनली आपको लॉस कितने का हो गया, 1,400 का लॉस। तो ये हर साल फॉर्मूला याद रखना, सरेंडर वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू बिगिनिंग मतलब ओपनिंग सरेंडर वैल्यू प्लस प्रीमियम पे कितना किया, प्रीमियम आप कितना पे कर रहे हो वो ऐड कर दो, और इसमें से क्या लेस कर दो, लेस क्या करना है, लेस करना आपको क्लोजिंग सरेंडर वैल्यू, आपको क्या करनी है, आपको लेस कर देनी है, देन फिर उसके बाद आपका लॉस आ जाएगा, लॉस टू बी रिटन ऑफ। तो यहाँ पर अब मैं अगले साल में देखूँ तो इसमें मुझे कितना लॉस राइट ऑफ करना है, December 31st को, तो ये मेरा एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना आएगा बच्चे इस साल मुझे लॉस जो राइट ऑफ करना है, कितना 2,100 सेकेंड ईयर में 2,100। फिर मैंने थर्ड ईयर में प्रीमियम भरा 2017 में 10 जून, फिर मैंने प्रीमियम भरा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, मैं प्रीमियम भर रहा हूँ तो एक एसेट बाय कर रहा हूँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, मैं प्रीमियम भरूंगा तो उसे एसेट की तरह डील करूंगा, कितना 3,000, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम इसे पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे, तो पी एंड एल अकाउंट में जब ले जाएंगे तो क्या होगा, December 31st इसको मैं पी एंड एल में ले जाता हूँ, तो पी एंड एल में ले जाने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो पी एंड एल डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना आ जाएगा, अब आप ध्यान से देखो जो मुझे इस साल राइट ऑफ करना है कितना, आप बेसिक चीज देखना बच्चे कि मैंने इस साल प्रीमियम भरा 3,000, मेरी जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की वो बढ़ के 2,000 होगी, 900 तो पिछले साल ही थी, तो मुझे इस बार की प्रीमियम से मतलब इस बार के प्रीमियम से एडिशनल सरेंडर वैल्यू कितनी मिल रही, 1,100 ये मिल रही ना, 3,000 भर के 1,100 मिले तो मुझे कितने का लॉस हो गया, 1,900 का लॉस हो गया। तो ये मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, ये बड़ी ईजी फॉर्मूला है, एग्जाम में आप स्टेटमेंट बना सकते हो, तो 1,900 का लॉस आ गया, मैं 1,900 का लॉस बुक कर लूंगा। अब आगे बात कौन से साल की, ये आगे 2018 की, 2018 में क्या है, 2018 में होगा क्या करेंगे बच्चे, फिर प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम पे करने की एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने फिर प्रीमियम पे कर दिया, तो प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होगी, वही सेम जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 3,000 3,000। ये कब पे किया मैंने, ये 10 जून को किया। अब 31 दिसंबर को फिर मैं देखूं, मैंने 3,000 भरा, इस 3,000 के बदले मुझे एडिशनल कितना मिला, एडिशनल तो मेरे हाथ में कितना आया, देखो पॉलिसी इंक्रीज कितनी हुई, सरेंडर वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, वो तो 2,000 से बढ़ के कितनी हो गई। अब अगले साल में चेक करो तो 2,000 से बढ़ के 3,600 हो गई, तो 3,600 का मतलब समझ रहे हो, 1,600 का इंक्रीमेंट मिल रहा ना मुझे, मुझे 3,000 भरने से 1,600 का इंक्रीमेंट भरा, तो इसका मतलब मेरा नुकसान कितने का हो, समझ आ रहा है बच्चे, मेरा नुकसान हुआ कितने का, 1,400 रुपये का नुकसान हुआ, सॉरी 1,400 का नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे 1,600 एडिशनल मिल रहे ना, तो 1,600 एडिशनल मिल रहे, तो इसका मतलब नुकसान 1,400 का होगा, तो 1,400 का लॉस मैं बुक कर दूंगा, तो मेरी बुक में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो कितना लॉस आ गया बच्चे, जो मुझे इस साल राइट ऑफ करना है, मुझे 1,400 का राइट ऑफ करना। अब अगले साल मैंने ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि अगले साल प्रीमियम भरा ही नहीं, क्योंकि अगले साल तो डेथ हो गई है। अब 2019 में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 2019 में क्या होगा, 19 में तो डेथ हो गई है, तो 2019 की बात करूं तो 2019 में मैंने प्रीमियम नहीं भरा, मुझे तो पैसे मिल गए कब, 10 कब है, यस 15 अप्रैल को मुझे पैसे मिल गए, तो 15 अप्रैल को जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट
लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये मुझे पैसे मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, मेरा सम इंश्योर्ड कितना था 50,000, ये मुझे मिल गया। अब मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, जो इस अकाउंट का बैलेंस होगा। तो इस अकाउंट का बैलेंस होगा कितना, अभी ऑलरेडी डेबिट में कितना देखो, इतनी वैल्यू तो बैलेंस आ रहा होगा ना, 3600, 3600 में से कितने गए 50,000, तो बाकी पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 अप्रैल, 15th अप्रैल, तो यहाँ पर मैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का डेबिट बैलेंस है। अब जो बचेगा मेरे पास क्रेडिट बचेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू ए टू बी टू सी, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट बचेगा देखो, मेरे पास पिछली सरेंडर वैल्यू जो मैंने बुक की थी वो सरेंडर वैल्यू कितनी थी, अभी तक जो मेरा लेजर बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो मेरे अकाउंट का लेजर बैलेंस आ रहा है वो 3600 आ रहा है। तो 50,000 माइनस 3600 ये बैलेंस बच रहा है, और रेशियो क्या है 532, तो 46,400 को मुझे 532 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड बाई 10 × 5। तो इसको कितना मिलेगा बच्चे, इसको मिलेगा 23,200 डिवाइड बाई 5 × 3, इसको कितना मिलेगा 13,920, और फिर इसको कितना मिलेगा डिवाइड बाई 3 × 2, इसको मिलेगा 9,280, और ये आपका टोटल आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पिछले वाले में क्या था, हमने कोई एसेट बुक ही नहीं की थी, तो आप ध्यान से देखो जब मैंने मेथड वन किया था तो वहां मैंने पूरे के पूरे 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ मैं 50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि 50,000 डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं है, आप समझना। 50,000 डिस्ट्रीब्यूट तब होते हैं जब मैं पिछले मेथड में एक्सपेंस की तरह देख रहा था। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो मेरे पास बैलेंस कितना 3600, तो मतलब 3600 तो फर्म की एसेट है, उसको मिले कितने 50, तो एक्सेस कितने मिले 46,400, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मैं इसमें आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना कर, ये वर्किंग नोट है बच्चे, इस तरीके से एग्जाम में स्टेटमेंट बना देना। तो अब मैं आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कैसे बनाते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले मैंने प्रीमियम कब भरा 2015 में, कब 10 जून को, ठीक है। टू बैंक अकाउंट करते हैं, कितना प्रीमियम भरा बच्चे मैंने, जो प्रीमियम भरा मैंने कितना भरा है 3,000 रुपए का प्रीमियम भरा, 3,000 का प्रीमियम। अब दिसंबर में जाके इसकी बैलेंस सीडी कितना है, इसका बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सारा का सारा अमाउंट में कहाँ डालूंगा पी एंड एल में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है 3,000 आ जाएगा, यहाँ पर सारा का सारा 3,000 आ जाएगा, 3,000 की तरह देखेंगे हम इसे, ठीक है। ये काफी एनलार्ज हो गया, ठीक है, तो 3,000 है, 3,000 का 3,000 पी एंड एल में चला जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे 2016, ये 2015 की बात है, 2016 में बात करूँ, फिर 10 जून को मैं प्रीमियम दूंगा। तो टू बैंक अकाउंट करके मैंने कितना प्रीमियम दे दिया, टू बैंक करके अगेन मैंने प्रीमियम दिया कितने का 3,000 का प्रीमियम दिया। फिर उसके बाद 2016 में अगर बात करूँ तो दिसंबर 31 को मेरा बैलेंस ईडी कितना है, मेरे बैलेंस ईडी है 900, तो मुझे लॉस कितने का हुआ है 2100 का, वो मैंने कहाँ डाल दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने सारा का सारा लॉस बुक कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लॉस बुक कर लिया, 2100 का लॉस बुक कर लिया, तो 2100 का लॉस बुक कर रहा हूँ, तो सारा का सारा लॉस जब आ जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3,000, ठीक है, और 3,000 क्योंकि 3,000 की गई 900 की। अब 2017 में जब मैं 1 जनवरी को बैलेंस बीडी लिखूंगा, ध्यान रखना टू बैलेंस बीडी, क्योंकि मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा बच्चे मेरे पास 900, और फिर मैंने दोबारा से 10 जून को प्रीमियम दे दिया कितना टू बैंक करके, कितना प्रीमियम पे किया मैंने 3,000, बट इसके अगेंस्ट मेरी सरेंडर वैल्यू बनी कितनी है, वो तो 2,000 बनी है, तो मुझे लॉस कितने का हो गया 3,900। और इसमें से मैं क्या करूँ, दिसंबर 31, 2017, दिसंबर 31, तो ये क्या आ जाएगा बैलेंस ईडी करके जो मेरी सरेंडर वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 2,000, जबकि 900 तो पहले से ही थी ना, तो मेरे को पी एंड एल में बुक कितना करना है लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये मुझे लॉस कितना बुक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करके जो मुझे लॉस बुक करना है वो कितना 1900 का बुक करना है, ठीक है। नेक्स्ट 2018 की बात करूं तो 1 जनवरी को क्या आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना 2,000, फिर मैंने प्रीमियम पे किया 10 जून को प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट करके प्रीमियम पे किया कितना 3,000, ठीक है जी 3,000 का प्रीमियम पे कर दिया। अब 2018 में बात करें, दिसंबर 31
31 तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ईडी वो कितना है, तो बैलेंस ईडी ऑफ कितना बनना 3600, और मुझे लॉस कितना बुक करना है बाय पी एंड एल अकाउंट करके, जो मैं लॉस बुक करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अब जो लॉस बुक करूंगा बच्चे वो लॉस कितना बुक करूंगा, जो मेरा लॉस बुक होगा इस बार कितना बुक होगा वो होगा 1400 का, तो टोटल आ गया 5000। तो देखो आप हर साल कुछ पैसे दे रहे हो और उसके अगेंस्ट आपकी सरेंडर वैल्यू बनती जा रही है। और फिर 2019 की बात करो तो 1 जनवरी तो टू बैंक बैलेंस बीडी कितना आ गया। अब इस साल मैंने प्रीमियम नहीं दिया ना क्योंकि 10 अप्रैल को ही डेथ, 15 अप्रैल को डेथ हो गई, तो 15 अप्रैल को मुझे पैसे मिल गए। तो ये आ गया आपका 15 अप्रैल, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया बाय बैंक करके, कितना पैसा आया मेरे पास, पैसा आ गया 50,000, जिसमें से ऑलरेडी कितनी बुक है 3600, तो बाकी पार्टनर्स में बांट दो। 15 अप्रैल को आप क्या करो, पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे बांट दो, किस नाम से, टू ए टू बी एंड टू सी कैपिटल। ठीक है जी, कोई डाउट बच्चे? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड मान के चलता है जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो क्या है, वो एक्सपेंस है। जबकि सेकंड मेथड क्या मान के चल रहा है, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपकी एसेट है। मतलब आप जो प्रीमियम भर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, आप बेसिकली यू आर बाइंग एन एसेट, आप एसेट खरीद रहे हो। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी आप पैसा दे रहे हो वो पैसा एक तरीके से क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर, कितना कितना अमाउंट आ रहा था मुझे बताओ बच्चे, एक आ रहा था 23200 और दूसरा कितना आ रहा था बच्चे 13920, और फिर कितना आ रहा था 13920 के बाद नेक्स्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9280। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 50,000, 50,000, और टोटल आ गया आपका 50,000। This is your method number two, and the method number two says आपका जो भी आप joint life policy का premium भरेंगे, तो उसको आप कैसे deal करेंगे? You will deal like a asset one. And the first method says कि आप premium जो भी भरेंगे, आप उसको कैसे मानेंगे? आप expense की तरह deal करेंगे। तो ध्यान रखना, first method खर्चा। अब खर्चा है तो भैया जो भी premium भरोगे वो P&L में जाएगा। Second case में premium भरोगे तो asset है। भैया asset खरीदिए तो asset ही book होगी, but उसकी revaluations तो होंगी ना। आप ई रेंट पे जाके देखोगे तो उसकी सरेंडर वैल्यू तो लिखोगे, तो वो सरेंडर वैल्यू आपकी ना बेसिकली वो क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप क्या करते हो उसे एनआरवी पे ले आते हो, मतलब जो नेट आपको पैसे मिल रहे आप एक्चुअल में बैलेंस शीट में जाते हो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लेकर आते हैं। बट इन द फर्स्ट मेथड आप कुछ एसेट ही नहीं बुक करते, सारा का सारा P&L, तो इसका मतलब सब खर्चा है। आप ऐसे देखो, जब मैं पहला मेथड बुक करता हूँ तो पहले मेथड में मैं एसेट मानता ही नहीं, इसे लास्ट में जो भी पैसे आते हैं वो पूरा का पूरा प्रॉफिट की तरह दिखता है। इसमें क्या होता है, मैं एसेट बुक कर रहा हूँ तो इसलिए एडिशनल जो एक्सेस अमाउंट होता है वही मेरे लिए प्रॉफिट की तरह बुक होता है। तो मेथड नंबर 1, 2, अब हम बात करें किसकी, मेथड नंबर 3 की बात करते हैं। तो मेथड नंबर 3 कैसे करते हैं,